भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवीलाल पार्क में ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी की ओर से कुरुक्षेत्र पॉलीक्लिनिक में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने भी वैक्सीन लगवाकर उसका शुभारंभ किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर शाहबाद विधायक रामकरण काला, शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य एवं युवा जजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा, जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, जननायक जनता पार्टी सेवा दल के हरियाणा के चेयरमैन मायाराम चंद्रभानपुरा, कुरुक्षेत्र विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा भी पहुंचे और ताऊ देवीलाल को जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं पॉलीक्लिनिक में वैक्सीनेशन कैंप में भी शामिल हुए और खुद जिलाध्यक्ष ने वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ताऊ देवीलाल सदैव किसानों के हितैषी रहे, उन्होंने कमेरे वर्ग के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, वे सभी के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। समूची लीडरशिप और सभी कार्यकर्ताओं ने ताऊ देवीलाल जी को नमन किया है और हम सभी हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज ताऊ देवीलाल को नमन कर रहा है और उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलकर हम सरकार में जिस प्रकार से दुष्यंत सिंह चौटाला जी काम कर रहे हैं, हमें उन पर नाज। ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि आज हम सभी कुरुक्षेत्र जिला जननायक जनता पार्टी के वर्करों ने ताऊ जी को पुष्प अर्पित करके उनकी पुण्यतिथि को मनाया। बहुत अच्छी बात है, ये लोगों को एक प्रेरणा देने वाली बात है कि किसी पार्टी के नेता भी आके लगवा रहे हैं और अपने साथ लोगों को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी मैक्सिमम वैक्सीनेशन होगी उतनी ही इम्यूनिटी बढ़ेगी और उतने ही हमारे देश को जल्दी से जल्दी कोरोना से निजात मिलेगी। इस अवसर पर सभी कुरुक्षेत्र के जजपा के पदाधिकारियों ने मिलकर पुष्पों से ताऊ देवीलाल जी के नतमस्तक होकर अपना नमन किया।